सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के ओल्ड डिवाइस के अंदर आप जो है सेलेक्ट स्पीक सेटिंग का यूज कैसे करेंगे। आपके फोन के अंदर एक सेटिंग्स है और इसका यूज काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप किसी टेक्स्ट को रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तो आसानी के साथ उसको सेलेक्ट करिए और वो खुद ही पढ़कर आपको बता देगा। तो चलो अभी दिखाते हैं कौन सी सेटिंग्स है गाइस, कैसे उसे इस्तेमाल करनी है हमें अपने फोन के अंदर। गाइस इसे फोन में यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स को ओपन करना होगा। सेटिंग को ओपन कर लीजिए, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा आपके होम पेज का। इसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। मोस्ट ऑफ केसेस में जितनी भी सेटिंग्स होती है ऑलमोस्ट आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर ही देखने को मिलती है। एक बार हम प्रेस करेंगे, इसके बाद वापस नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, एक और सेटिंग्स मिलेगी एक्सेसिबिलिटी का, इसको आप प्रेस करेंगे। यहाँ पर स्विच एक्सेस है, उसके ऊपर है सेलेक्ट टू स्पीक। मैंने बताया था सेलेक्ट टू स्पीक यूज करने के लिए इसको क्लिक करिए। हमारे पास यहाँ पर एक बटन मिल जाता है, इसको शॉर्टकट को ऑन करेंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे, इसको ओके करेंगे। हमारे पास हमारा जो ऑप्शन है ये इनेबल हो चुका है। अब इसको हमें एक्सेस कैसे करना है उसे हम आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी ऐसी चीजें ओपन करते हैं जहां पर हमें कुछ भी रीड करना है, मीन्स की टेक्स्ट को रीड करना है। तो अभी चलो हम कुछ भी एज एग्जाम्पल देख लेते हैं। फेसबुक को मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखो अकाउंट वगैरह तो बना नहीं है, लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे इस पर एक बार क्लिक करिए। यहाँ पर आ जाएगा एक एरो, इसको सेलेक्ट आउट सेलेक्ट करना इस तरीके से, क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट यहाँ पर देखो बोल रहा है। और ऐसे करके आप जितने भी टेक्सेस हैं सबको यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा रेड वाला, इसको सेलेक्ट मार करेंगे। फोन एंड ईमेल, और इस तरीके से आप जो है किसी भी टेक्सेस को, चाहे कहीं भी आप हो, किसी भी चीज को, आर्टिकल वगैरह रीड कर रहे हैं, वहां पर आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आपने हिंदी का यूज कर रहे हो, मान लीजिए मैं एक बार सेटिंग्स में चल के इसको हिंदी कर देता हूँ फोन को अपने, और देखते हैं कि हिंदी में ये करता है कि नहीं, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। सिस्टम सेटिंग पर जाएंगे, लैंग्वेज इनपुट पर जाएंगे, और इसके बाद लैंग्वेज को हम कर देते हैं हिंदी। अब इसको हिंदी कर दिया हमने। अब ऊपर देखिए हमारे पास कुछ हिंदी के टेक्स्ट हैं, इसको हम प्रेस करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे इसको। भाषाओं को दोबारा क्रमित करने के लिए खींचे, जो सूची में सबसे ऊपर है उसे डिफॉल्ट भाषा के रूप में सेट किया जाएगा। तो ये जो फीचर मुझे लगा गाइस इंटरेस्टिंग है एंड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया फीचर हमें लगा। एंड आप नो डाउट इसका इस्तेमाल करके आपको ये आर्टिकल वगैरह रीड कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है उसे रीड करने में या पढ़ने में, तो आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। एक साथ सबको सेलेक्ट करो टेक्स्ट को, हिंदी अगर यूज करो तो हिंदी में पढ़ के बताएगा, इंग्लिश यूज करो तो इंग्लिश में पढ़ के बताएगा। यू नो आप जाके ऑन करो एंड बंद करना भी सेम वही तरीका है, सेम सेटिंग पर जाके इसको बंद कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है बोरिंग लग रहा है कुछ दिन बाद, तो आप इसको आसानी से वहां से बंद भी कर सकते हैं। आई थिंक गाइस ये जो सेटिंग है काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना इसके लिए, क्योंकि ये जो सेटिंग्स है रियली बहुत ही अलग सेटिंग्स है। एंड और कोई कन्फ्यूजिंग होती है तो कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।